से हो आप लोग, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि गूगल फोटो क्या है और इसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? ये कहा जाए तो एक तरफ से अपना मोबाइल की स्टोर भी कह सकते हैं, या तो फिर आप अपना मोबाइल का दूसरा पेन ड्राइव भी कह सकते हैं। आपने ये गूगल फोटो जो है, जो ये वाला पिक्चर एक देख रहा ना, हाँ ये वाला आपने अपना मोबाइल पर कहीं पर देखा होगा और आपने उसे गैलरी के तौर पर यूज़ भी किया होगा, यानी कि आपने अपना गूगल फोटो में जाकर अपना फ़ोटो देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे। पर मैं आपको बता दूं कि आप अपना ये गूगल फोटो है उसमें आप और भी कई चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि इसे आप अपना वीडियो फ़ोटो की स्टोर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो को जो है अंत तक देखिए। नमस्ते, मेरा नाम है छिदू गुमू और आप देख रहे हैं छिदू स्टूडियो चैनल को। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर आपको ये सिखाने के लिए कि आप अपना गूगल फोटो को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपना इंट्रो में कहा था कि ये एक तरफ से आपका दूसरा पेन ड्राइव जैसा है। वो कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। आप अपना जो गूगल फोटो है वहाँ पर अपना मनदीदा पसंदीदा वीडियो या फिर फोटो जो है यहाँ पर हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हो, वो भी बिना मेमोरी के। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अपना जो प्ले स्टोर के जीमेल होता है ना, आपको उसके साथ कनेक्ट करना होता है। उसके साथ कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको 15 GB इंटरनल मेमोरी दिया जाता है जो ये अंदर में होता है। तो आप वहाँ पर अपना मनदीदा पसंदीदा जो वीडियोस या फोटो है, आप यहाँ पर जब तक इसकी मेमोरी फुल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो ठीक है, आपको इस तरीके से यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। तो चलिए गाइस, हम इसे आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं फ़ोटो। ठीक है, इसे ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक लोगो दे रहा है, ठीक है, इंसान का। आपको वहाँ पर सिंपली दबा देना। दबा देने के बाद अगर आप फर्स्ट यूज़र तो वहाँ पर आपका साइन अप का बटन होगा, तो आपको वहाँ पर या फिर लॉगिन होगा, तो आपको वहाँ पर साइन अप करके नया अकाउंट बना लेना है। ठीक है, तो मैंने अपना जो अकाउंट है यहाँ पर पहले से चूज़ कर रखा है, तो वहाँ पर हमें सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अपना अकाउंट मैंने ढेर सारा अकाउंट यहाँ पर रखा हुआ है, तो मैं इनमें से एक चूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर मेरा एक ईमेल खोल लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर जैसे आप अपना ईमेल दबा दोगे तो आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है, कीप योर मेमोरी सेफ। आपको यहाँ पर डू नॉट बैकअप और टर्न ऑन बैकअप है। अगर आप टर्न ऑन बैकअप करते हो तो इससे क्या होगा कि आप जब भी अपना वीडियो या फिर फोटो नया लेते हो तो ये अपना आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अगर आप डू नॉट बैकअप करते हो तो ये सेव नहीं होगा। आपको सेव करने के लिए अपना आप जाकर वहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर डू नॉट बैकअप कर लेता हूँ। ठीक है, इसे कर लिया मैंने। अब हम यहाँ से अपना कुछ वीडियो और फोटोज हैं यहाँ पर अपलोड करने के बाद हम आपको अपना जो ओरिजिनल वीडियो और फोटो है उसको अपने गैलरी से डिलीट करके दिखाएंगे कि ये यहाँ पर सेफ बैठे या नहीं। ठीक है, ये प्रूफ के तौर पर कर रहा हूँ मैं। तो जैसे आपको अगर आपको अपना फ़ोटो जो है अपलोड करना होता, आपको यहाँ पर जो ऊपर में एक लोगो देगा ना, हाँ यहाँ पर आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक साइकिल सा आ जाता है, यानी कि ये अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये अपलोडिंग हो रहा है, तो मैं दूसरा वाला को भी कर लेता हूँ। और मैं एक वीडियो भी जो इस वीडियो को भी मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं इसे भी यहाँ पर दबा देता हूँ। और जब तक ये अपलोड हो रहा है मैं ऊपर में पिक्चर देख लेता हूँ, ये अपलोड हो गया या नहीं। देखिए गाइस, ये पिक्चर जो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें वो डाउनलोड वाला बटन नहीं आ रहा है, अपलोड वाला जो आगे एक तो आ रहा था ना, वो भी नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, ये अभी भी साइकिल हो रहा है, यानी कि ये अभी भी सेफ हो रहा है। आपको ये समझना चाहिए, जब तक ये साइकिल जैसे कुछ आ रहा है, आपको अपना ओरिजिनल पिक्चर जो है डिलीट नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो भी देखो अपलोड हो चुका है, ऊपर में इसका अपलोड बटन जो है गायब हो गया है और ये पिक्चर भी अपलोड हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब आप अपलोड करोगे तो यहाँ पर एक साइकिल से एक रिंक देखता है आपको, जब तक वो होता है तब तक आपका वीडियो या फिर फोटो जो अपलोड नहीं होता। तो मैं आपको प्रूफ की तरह अपना ये वीडियो और ये फ़ोटो है ना, इसको ओरिजिनल वाला वीडियो और फोटो को डिलीट करता हूँ। देखिए, मैं अपना गैलरी पर आ चुका हूँ। आने के बाद मैंने ये तीन फ़ोटो और ये वीडियो को मैंने वहाँ पर अपलोड किया, तो मैं यहाँ में इन्हें डिलीट कर देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं इसे मैंने अब डिलीट कर दिया है। ठीक है, 5 आइटम डिलीटेड हो रहा है, तो डिलीट हो चुका है, यानी कि। तो अब मैं आपको प्रूफ के तौर पर वहाँ पर है या नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं गूगल फोटो पर। तो गाइस देखिए,
अभी भी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। ये यहाँ पर अब ये जो है लोडिंग हो रही है, हमारा मेमोरी से नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर जो सेव किया था वो वाला आ रहा है। तो ये वीडियो देखिए आप आराम अच्छे से देख सकते हैं, ये प्ले हो रहा है, ठीक है, जबकि मैंने अपने मेमोरी में डिलीट कर दिया है। और ये फ़ोटो भी देखिए हमने अपने मेमोरी में डिलीट कर चुका है और ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से शो हो रहा है। तो गाइस है ना, फ़ायदा वाला बात है। मैंने आपको एक चीज़ बताने के लिए भूल गया है कि आप जब इस गूगल फ़ोटो है ना वहाँ पर अपना जीमेल से कनेक्ट करते हो तो उसके बाद अगर आपका ये जो आप अभी मोबाइल चला रहे हो वो मोबाइल ख़राब हो गया, आप अगर दूसरे मोबाइल पर भी वो ईमेल जो आप डालोगे तो आपने जो फ़ोटो या पिक्चर यहाँ पर सेव किया वो वाला जो फ़ोटो वीडियो है वो अलग अलग मोबाइल में भी वो जीमेल के थ्रू से अपना आप आ जाएगा, ठीक है। ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो गाइस आज के वीडियो इतना ही था, चाहता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बाजू में बेल आइकन उसको दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट या फिर हैव अ गुड डे।